प्रिपेयर करके आए हैं, क्या कहेंगे उनसे? जी हमारे एक फ्रेंड है, हमारे अंडरवियर फ्रेंड है, उन्होंने हमको बताया कि लड़कियों को शायरी बहुत पसंद है, तो हम कुछ लिख कर लाए अपने होने वाले मैसेज के लिए, सुनाना चाहेंगे आपको। शाद इरशाद, ख्यालों में हो पर नजर नहीं आती, अब आ भी जाओ जहां हो कहीं, दिल है कि फड़फड़ाए जा रहा है, वादे फड़फड़ाए जा रहे हैं, वहां तुम बस सोचोगी यहां हम पूरा कर देंगे, ताज तो हुआ पुराना हम तो नया बंदर कर देंगे, कदमों में बिछ जाएंगे पलकों में बिठाएंगे, रोज 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 मिल्क भी पिलाएंगे, हम बैटी भी बनाएंगे, लोरी हम सुनाएंगे, पर आवाज पसंद नहीं आई तो रेडियो हम चलाएंगे, शुक्रवार की पहली पिक्चर दिखाएंगे, तुम्हें जो पसंद हो वही हीरो बन जाएंगे, और यही नहीं तुम जो कहोगी वही कर जाएंगे, और सुनो ये भी, बाइक ऑलरेडी ले लिए हैं पर तुम्हारा इंतजार है, तुमको घुमाए खातिर जिया बेकरार है, सूट शादी का सिलवा चुके हैं, बारात भी रेडी है, हम जैसा मिलेगा कोई नहीं इसकी फुल गारंटी है, तो आ भी जाओ जहां हो कहीं, ख्यालों से बाहर नजर तो आओ अभी। वाह क्या बात है, वैसे इतना प्यार करने वाला लड़का है कोई नजर में, कोई मिसेज इनके लिए? हाँ आप ही बता दीजिए अगर है कोई नजर में। वैसे बहुत ही बढ़िया, हम दुआ करेंगे कि आपको जैसी लड़की जैसी मिसेज चाहिए मिल जाए, ताकि आप उन्हें बाइक पे भी बिठाएं, आइसक्रीम भी खिलाएं। और इस कहानी के बारे में और जानने के लिए, करीब से जानते हैं, इनके लिए बुलाना चाहूंगी मैं कहानी के निर्माता मिस्टर सौरभ तिवारी जी। तो स्वागत कीजिए, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर एज आई नाउ इनवाइट मिस्टर सौरभ तिवारी, द राइटर एंड प्रोड्यूसर ऑफ द शो। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का इस इवेंट में। ये शोज तो इसके पहले कई बनाए हैं, मगर ये शो पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा मेरे दिल के करीब है, बिकॉज तकरीबन 7 से 8 साल हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 7 साल हो चुके हैं इस कहानी पे काम करते हुए, और स्टार से पहले जितने भी नेटवर्क हैं सबको ये कॉन्सेप्ट पिच किया गया था। सो आई एम रियली थैंकफुल टू स्टार कि एक ऐसी कहानी जो इसके पहले किसी ने कोई राज़ी नहीं हुआ इसको करने के लिए, वो फाइनली स्टार ने डिसाइड किया उस पर करना, काम करने का, उसको एक इस कहानी को सबके सामने लाने का एक मौका दिया गया हमें। कहानी खास पर्टिकुलरली मेरे लिए क्यों बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि राधे जो है वो एक फिक्टिशियस कैरेक्टर नहीं है। राधे जो है वो मेरे घर के अंदर एक कज़न है मेरा, जिसको हम बचपन से देखते आए हैं। जब भी कोई आपस में घर में बात होती थी और पूछा जाता था कि अच्छा आगे जा करके कोई क्या करेगा, तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे, तो राधे की ज़िंदगी का एक ही मकसद था कि मुझे जो है ना शादी करनी है। सो हमने बचपन से उस राधे को देखा है जो 24 घंटे जो है ना इसी मकसद इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा था कि एक दिन जो है मुझे एक बहुत बढ़िया मिसेज मिलेगी। सो हिंदुस्तान में तकरीबन आई थिंक एक बहुत बड़ा वर्ग है जहाँ पर कई ऐसे लड़के हैं जिनको लगता है कि रोटी कपड़ा मकान और शादी जो है ना सब कुछ मेरे माँ बाप जो है मुझे थाली पे परस करके दे देंगे। सो ये कहानी जो है, ये शो जो है वो ऐसे ही एक लड़के की कहानी है जिसकी जर्नी जब शुरू होती है तो बहुत ही सिंगल डायमेंशनल कैरेक्टर है, जिसके जीवन का सिर्फ एक ही मकसद है कि उसको एक बहुत ही खूबसूरत लड़की चाहिए जिसके साथ जो है वो अपनी ज़िंदगी बिता सके। मगर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है उस लड़की के माध्यम से जो है एक नया राधे निकल करके आता है, और शो की का जो नैरेटिव है, जो इसकी दुनिया है, जिस तरीके के पात्र हैं, जो भाषा हमने इसमें जिसका इस्तेमाल किया गया है वो बहुत ही रियल है, वो किसी भी तरीके से जिसको हम कहते हैं कल किसी टेलीविज़न वाली भाषा नहीं है। उसमें कई शब्द आपको ऐसे मिलेंगे जैसे बवंडर, कंटाप, और जो हार्डकोर जो लोग नॉर्थ से आते हैं, जो लखनऊ कानपुर से आते हैं, जिन्होंने
उस तरीके की जो एक कलोकियल जो लैंग्वेज है, जो जिस माहौल में पले बढ़े हैं, जो हमने देखा हुआ है, वो सारी चीज़ों की झलक आपको इस शो में दिखाई पड़ेगी। और हमने एक्चुअल लोकेशंस पे शूट किया है, तो शुरुआत में जब कहानी की शुरुआत होती है तो आपको एक जो कानपुर की जो एक रियल फील है, जो कानपुर की जो असली लोकेशंस हैं, मतलब सब कुछ फिल्म सिटी के अंदर नहीं है तो जैसा होता है जनरली शोज़ में, सो एक उस माहौल को कैप्चर करने की पूरी कोशिश करी गई है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑनसेंबल कास्ट है, तो उम्मीद करता हूँ कि लोगों को कहानी पसंद आएगी, जो इसकी जो एक इनोसेंस है कहानी के अंदर, जो एक वास्तविकता है कहानी की, वो शायद पसंद आएगा लोगों को। सो विल दैट्स इट। थैंक यू सर, थैंक यू राधे। आई एम श्योर दैट ऑडियंसेस विल लव वॉचिंग राधे की लव स्टोरी कृष्णा चली लंदन 21 मई से सोमवार से शुक्रवार 9 बजे। अब हम क्वेश्चन आंसर्स के लिए सेशन खुलाना चाहेंगे, तो एनी क्वेश्चंस, वी हैव माइक्स इन द ऑडियंस। May I request you just raise your hands, we'll hand over the mics to you. कृष्णा अभी हम लोग दिखाना नहीं चाह रहे हैं, बिकॉज एक कृष्णा को लेकर के कहानी में एक ट्विस्ट है, इसलिए उसको हम लोग रिवील नहीं करना चाह रहे हैं। एंड सो कहानी की शुरुआत, जो असली कहानी का मुद्दा है, वो राधे के अराउंड है। अब कृष्णा की जब कहानी में एंट्री होती है तो एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, और उस पर जो है उसको थोड़ा सा हमने अभी अंडर कवर करके रखा हुआ है, बट असली मुद्दा जो है वो कृष्णा के लंदन जाने में है, जो कि आपको टाइटल में दिखाई पड़ता है। दैट्स द मिस्ट्री अबाउट द प्लॉट। No, not really. London is very deeply connected to the root cause of what Krishna wants to do in her life. उसके साथ कहानी में लंदन कनेक्टेड है, उसके मुद्दे के साथ लंदन कनेक्टेड है, इसलिए जो है लंदन को चुना गया। तो जैसे जैसे कहानी खुलेगी, शो लॉन्च होगा और तकरीबन 2 हफ्ते की कहानी आगे जाएगी, तो उसके बाद लंदन ही क्यों, ये मुद्दा खुल करके सामने आ जाएगा। हेलो, आरती सक्सेना। हाय। राधे का जिक्र है, नहीं है, कृष्णा का जिक्र है और राधे को इंट्रोड्यूस किया गया, तो इसके पीछे कोई खास वजह? इसके पीछे देखिए यही मकसद था कि इस पे बातचीत शुरू हो, डिस्कशन हो। हम इस कहानी का नाम रख सकते थे राधे की मिसेज लंदन जाने वाली या समथिंग कर सकते थे, तो बहुत ही एक सिंपल सा एक उसका अप्रोच होता। आज की तारीख में ऑल ऑफ अस नो जिस तरीके का कॉम्पिटिशन टेलीविजन के अंदर हो गया है, अभी अगले 1 महीने में कुछ नहीं होगा तो कम से कम 6 या 7 शोज लॉन्च होंगे अक्रॉस चैनल, हर ब्रॉडकास्टर्स, मतलब बिटवीन ऑल द चैनल्स। सो उसमें, उस भीड़ में आपको अपनी कहानी कहनी भी है, कहानी लोगों तक पहुंचानी भी है, लेकिन कहानी को लोगों को पहुंचाने से पहले कहीं ना कहीं जो सबसे पहला कम्युनिकेशन होता है वो टाइटल का होता है, वो टाइटल रजिस्टर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास 4-5 ऑप्शंस थे, लेकिन हमको कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं बहुत ही आम साधारण से ऑप्शंस हैं, जो शायद लोगों में रजिस्टर ना हों। तो पूरा आइडिया यही था कि हम कॉन्सेप्ट के बिल्कुल करीब रहें, कॉन्सेप्ट के कोर से जुड़े रहें, मगर टाइटल जो हो वो इतना क्वर्की हो, जहाँ पर जैसे ही हमने टाइटल को लोगों के सामने पेश किया तो कोई ये बोलेगा, अच्छा ये लड़का जो है ना, ये लड़का कृष्णा है, बिकॉज कृष्णा नाम भी जो है अपने आप में लड़कों का भी हो सकता है, लड़की का भी हो सकता है। उसी तरीके से राधा जो है वो एक लड़की का नाम हो सकता है। सो वी हैव जस्ट ट्राइड ट्विस्टिंग द थिंग्स लिटिल बिट, सो दैट कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में और कहानी सुनाने के तरीके में एक इंक्लूडिंग द टाइटल एक क्वर्कीनेस मेंटेन रहे। दैट वाज द होल आइडिया। और इसकी शूटिंग लंदन में भी होगी कि सिर्फ? इसकी शूटिंग लंदन में भी होगी, बिकॉज वो कहानी का एक मेजर प्लॉट है, जो सेकंड फेज ऑफ द स्टोरी है। इसकी शुरुआत जो है अभी हमने कानपुर में, लखनऊ में शूट से शुरू करी, तकरीबन 1.25 महीने का हमारा स्केड्यूल था लखनऊ का, सो वो हमने वहाँ पर शूट किया है। और जो तकरीबन 6 से 7 महीने की कहानी के बाद जब कहानी में ट्विस्ट आता है, दैट्स व्हेन कृष्णा लंदन जाती है, तब उसकी करीब एक लंबा फेज होगा जो लंदन में शूट होगा। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है कि सारे चैनल वाले कानपुर वालों को ही क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि भाभी जी घर पे है, पूरा कानपुर बेस्ड था। नहीं, अब क्या हो गया ना, वहां के लोगों ने यहाँ पर आकर के अपने वर्चस्व से जमा दिया है। सो गौरव, दोनों से ये अभी जो हमने ट्रेलर देखा उसमें कहीं ना कहीं आपका जो किरदार है उसमें आपके उतने से ही, जो ट्रेलर हमने देखा उसी में हमें थोड़ा सा जो बद्रीनाथ की दुल्हनिया मूवी है उसमें जो वरुण का किरदार है या थोड़ा सा स्टाइल, वो उसका झलक देखा, कितना रिजेम्बलेंस। और कुछ पता नहीं, कहानी भी ऐसे लग रहा है कानपुर का लड़का लड़की लंदन जाती है, कुछ तो वो वैसा है।
नहीं देखिए, दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो जैसे मैंने कहा था, इस शो पे हमने काम तकरीबन 6 साल पहले करना शुरू किया था, जो बद्रीनाथ से बहुत पहले था। मतलब आई विल कम टू द टू योर क्वेश्चन द सेकंड फेज, बट होता क्या है कि कहानियाँ ऐसी होती हैं ना कि जब आप एक किसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे होते हैं तो उसी टाइम पे 6 और लोग भी उसी टाइप के, उस माहौल के, उस दुनिया के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे होते हैं। सो कई बार जो है ड्यू टू सर्कमस्टांसेस कुछ चीज़ें जो हैं जिनमें सिमिलैरिटीज़ होती हैं जाकर के। एज आई सेड, इस कॉन्सेप्ट को हम पिछले तकरीबन 6 साल से बनाने की कोशिश कर रहे थे और 2011 से लेकर के 2018 तक, 2011 में पहली बार था जब इसका हमने 1 पेजर लिखा था और व्हेन वी डिसाइडेड टू पिच इट टू अ नेटवर्क, चीज़ें उस समय हो नहीं पाई। उस दौरान जो है बद्रीनाथ भी रिलीज़ हो गई, तब हमको ऐसा लगा कि अच्छा ये तो कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो ऑलरेडी निकल गया है। सो हमने फिर अपने प्लॉट में चेंजेस करना शुरू किए। लड़के का जो कैरेक्टर है वो आई वुड से 50-60% इट माइट बी इन दैट सेम स्पेस, बट वो सिमिलैरिटी वहीं से शुरू होती है और वहीं ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ना बद्रीनाथ में कोई लड़की कभी लंदन जा रही थी, ना बद्रीनाथ में कोई जाती है। वो विदेश जाती है काम करने के लिए, वो बिल्कुल अलग प्लॉट है। जब आप शो को देखेंगे तो इसमें तो मतलब जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन की दैट क्या लड़के का कैरेक्टर बद्रीनाथ में वरुण के कैरेक्टर के साथ मिलता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि तकरीबन 10-15% जो है सिमिलैरिटीज हो सकती हैं। बिकॉज हम जब एक माहौल लेकर के चलते हैं, किसी एक दुनिया की कहानी लेकर के चलते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ पात्रों में सिमिलैरिटीज होगी। तो चाहे हम बरेली की बर्फी लें या बद्रीनाथ की दुल्हनिया लें, तो ओवरलैपिंग उन फिल्मों में भी कहीं ना कहीं होगी जा करके, क्योंकि हम एक माहौल की कहानी बता रहे हैं। मगर वो सिमिलैरिटीज सिर्फ बातचीत करने के तरीके में और इक्का दुक्का पॉइंट पे शुरू होकर के वहीं पे ख़त्म हो जाती है। बिकॉज जहाँ, और खास करके जब हम टीवी के लिए कोई शो बनाते हैं, 2.5 घंटे की फिल्म बनाना है, एक चीज़ है, आप एक मुद्दे को उठाते हैं उसको ख़त्म कर देते हैं। जब हम टीवी के लिए शो बनाते हैं तो हमको 50 चीज़ें लेकर के चलनी पड़ती हैं, अलग कैरेक्टर्स बनाने पड़ते हैं। तो जहाँ पहले 5 एपिसोड देखेंगे तो आपको ना इसमें कोई सिमिलैरिटी, इसके और मतलब बद्रीनाथ के बीच में कोई सिमिलैरिटी नहीं दिखाई पड़ेगी। ओके, तो वैसे बहुत सारे सवाल हमारे पास है, लेकिन फिलहाल हमारे पास 1-on-1 इंटरेक्शंस भी हैं और वी ऑल्सो हैव इंटरव्यूज हैपनिंग लेटर। तो उसके लिए फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए मैं रिक्वेस्ट द मेंबर्स ऑफ द मीडिया टू प्लीज स्टेप फॉरवर्ड। गौरव, गौरव, आई एम धर्मपाल फ्रॉम ट्रिब्यून चंडीगढ़। द शो सीम्स टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, डू यू थिंक इट विल गो वेल विद द व्यूअर्स? आप हमसे हिंदी में बात कर सकते हैं? शो दूसरे शो से अलग हटकर है जी, बिल्कुल। आपको क्या लगता है शो जो है दर्शक इसको पसंद करेंगे? पहले से पसंद कर रहे हैं, हमारे टीचर से भी पसंद, इतना प्यार मिल रहा है हमको। अब आप सब देखिए, आप भी इकट्ठा हुए हैं हमको प्यार देने के लिए, तो इकट्ठा हुए हैं आप भी। गौरव, आप अमृतसर से हैं? जी बिल्कुल। नाउ वी आर इन, अब आप मुंबई में हैं, तो अमृतसर क्या मिस करते हो आप? खाना बहुत मिस करते हैं हम अमृतसर का, पराठे, मखनी दाल, कुलचे, छोले। All the best. Fantastic. Thank you so much. Members of the media, photo opportunity kar lete hain. And after that, we're going to be starting with the 1-on-1 interactions. On behalf of Star Plus, thank you so much for being such a wonderful audience as always and for joining us here for this very special evening. तैयारी तो काफ़ी की है हमने, हमने कैरेक्टर पे काफ़ी काम किया है। देखिए, अब वैसे तो हम पंजाबी है और क्या बोलें, अभी पंजाबी हमारा मेन, बेसिकली मेन एक्सेंट तो हमारा पंजाबी था, तो इस लैंग्वेज पे बहुत काम किया हमने और इस लैंग्वेज पे काम करवाने के पीछे सौरभ सर का बहुत बड़ा हाथ है। ओके सर, कितना मुश्किल था एक पंजाबी कैरेक्टर को यूपी कैरेक्टर में लाना? नहीं देखिए, कैरेक्टर तो यूपी का ही था, ये जिस इसकी ऑब्वियसली गौरव की जो फर्स्ट लैंग्वेज थी वो पंजाबी थी, बिकॉज आप
आप जिस जिस माहौल में पले बड़े हैं वहाँ की लैंग्वेज आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होगी, तो आते ही सबसे पहले जो मैंने इसको बोला, मैंने कहा तुम लोगों से ना अब पंजाबी में बात करना बंद कर दो, बिकॉज करीब एक डेढ़ महीने का टाइम था और वो एक बहुत स्ट्रिक्ट रूल था कि दैट किसी से भी पंजाबी में बात नहीं करोगे, और जिस भाषा में हम लोग बात करते हैं, जैसे अगर मैं यूपी से आता हूँ, जब आता हूँ, सो जिस लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूँ, जिस डायलेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ, वो डायलेक्ट जो है कॉपी करना बहुत ज़रूरी था। हमने इसको एक महीने में तकरीबन आठ दस जो है यूपी बेस्ड जो वहाँ की जो फिल्में हैं, भोजपुरी फिल्मों से लेकर के वहाँ की फिल्में जो है बैक टू बैक वीडियोस और वो सारी चीज़ें दिखाते रहे। एंड द बेस्ट पार्ट इज़, जिसका क्रेडिट मैं गौरव को ही दूंगा, जिस तरीके से डेढ़ महीने के अंदर इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आज की तारीख में कोई बोल नहीं सकता है कि दैट गौरव जो है एक अमृतसर का लड़का है जिसकी फर्स्ट लैंग्वेज पंजाबी है, बिकॉज जितनी आसानी से इसने एक बॉडी लैंग्वेज और डायलेक्ट सब उठा लिया, दैट वॉज कम्प्लीटली सरप्राइजिंग फॉर अस। अभी तो बहुत एक्साइटेड है, बहुत एक्साइटेड है, नर्वस तो कभी नहीं होता कभी। क्या एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं अभी, क्योंकि और भी काफी कंटेंट है, और भी काफी चैलेंज है, बड़े एक्टर्स हैं, शो भी चल रहे हैं, तो आप किस तरीके से उसमें कुछ अलगपन लेकर आएंगे? देखिए अलगपन, अब हम आ रहे हैं और सौरभ सर का शो है तो वही अलग है हमारे लिए, तो हम खुद अलग हैं, हम बाकियों से तो किसी से कुछ लेना नहीं, हमको खुद अलग है, बस अलग चीज़ कर रहे हैं, मेहनत की है। घर वालों से बात बहुत कम होती थी इंदौर आने, बिकॉज हमारे घर में ना पंजाबी बोलते हैं, बहुत टिपिकल पंजाबी बोलते हैं, तो हमने बात करना बंद कर दिया था घर पे कि हमको कैरेक्टर में काम करने के लिए आपको टाइम मिले। सारे फ्रेंड्स से मिलना बंद कर दिया था, बिकॉज कैरेक्टर में काम करने का बहुत ज़्यादा टाइम मिले हमको। काफ़ी मूवीज़ देखी, बुक्स पढ़ी हमने, तो अच्छे बढ़िया चल रहा है। अब शो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि राधे की जो इनोसेंस है वो कई बार कई लोगों को ऐसा लगेगा कि वो बेवकूफ है। वो बहुत थिन लाइन होती है इनोसेंस और बेवकूफ़ी के बीच में। प्रॉब्लम क्या है, आज की तारीख में जो 90% आर्टिस्ट होंगे, एक्टर्स होंगे राधा, जो मतलब जो लीड प्ले कर रहे होंगे, आप उनके लिए एक सीन लिखिए स्क्रीन का, जिसको पढ़ करके अगर उस सीन के अंदर ऐसा हो रहा है कि उनको उनके अराउंड या उनको लेकर के कोई बकूनरी हो रही है या कोई ऐसी चीज़ जिसमें जो नॉन हीरोइक है, 90% एक्टर्स उस चीज़ को करने को तैयार नहीं होंगे। उनको लगेगा अरे यार मेरा बेवकूफ़ कट रहा है। चार्ली चैपलिन ने अपना पूरा का पूरा करियर, चार्ली चैपलिन द बिगेस्ट यू नो एंटरटेनर वी हैव एवर सीन, उसका पूरा का पूरा करियर उनका जो है एक खुद को लेकर के मजाक करने को लेकर के बना है। दैट्स हाउ चार्ली चैपलिन बिकेम चार्ली चैपलिन। ओके, प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम अपने अगल बगल जो है ना एक ऐसा माहौल, अपने आप को इतना ज़्यादा सीरियसली लेते हैं कि हम अपने खुद के ऊपर हंस नहीं सकते। सो राधे का जो कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा कैरेक्टर है कि जहाँ जब लोग उसको देखेंगे तो देख करके वो उनको एक हंसी भी आएगी, किसी को लगेगा थोड़ा सा बेवकूफ़ है, किसी को लगेगा ये बेवकूफ़ से ज़्यादा इनोसेंट है। तो जब इस तरीके का एक चैलेंजिंग कैरेक्टर होता है तो उसके लिए उस एक्टर को ढूंढना भी अपने आप में मुश्किल हो जाता है। तो उसमें पहली चीज़ ये थी कि ऐसा कोई एक्टर हो जो देखने में बहुत ही इनोसेंट लगे। सो जब हम गौरव से मिले तो ऑब्वियसली जब स्क्रीन टेस्ट किया तो स्क्रीन टेस्ट करते ही सबसे पहली चीज़ जो सामने आई कि दैट ही लुक्स वेरी इनोसेंट, एंड देन बाकी चीज़ें तो हमने निटिग्निटीज तो वर्कआउट कर ली, चाहे वो परफॉर्मेंस पे हो, वर्कशॉप हो। तो या इट वॉज अ डिफिकल्ट टास्क। तकरीबन 30 से 35 लोगों को का ऑडिशन किया गया, वो 35 लोगों का ऑडिशन करने के बाद फाइनली कृष्णा की शुरुआत में होगी, आपको पहले हफ्ते में मिल जाएगी 21 मई। वो एक सरप्राइज है एपिसोड के अंदर जानबूझ करके, बिकॉज कहानी जो है वो राधे से जुड़े हुए मुद्दे के अराउंड है, जो राधे अपने लिए बीवी ढूंढ रहा है, तो जिस बीवी से मिलने के लिए राधे को इतना इंतजार करना पड़ रहा है, उस बीवी से मिलने के लिए ऑडियंस को भी कुछ टाइम के लिए इंतजार करना चाहिए। देखिए हमने तकरीबन एज आई सेड करीब 6-7 साल से इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, और शूट तकरीबन पिछले 6-7 महीने से प्री प्रॉड और शूट वूट पे काम हो रहा है इसके। बड़े दिल से बनाया हुआ शो है, सारे नए एक्टर्स हैं, जितनी हमको ज़रूरत है इस शो के चलने से शायद उतनी ही ज़रूरत इस शो से जुड़े हुए जितने भी आर्टिस्ट हैं, टेक्नीशियंस हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि कहानी के अंदर एक फ्रेशनेस है, एक नयापन है, और लेट्स सी, अगर लोगों का प्यार मिलता है, शो पसंद करते हैं, तो हम सबके लिए बहुत ही एक अच्छी बात होगी, एंड दैट्स व्हाट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स। राधे
अगर आपकी नज़र में कोई हो तो बता दीजिएगा। राधे, आपकी आप अपने बचपन से अपनी वाइफ के बारे में सोचो तो क्या क्या सोच रखा है उनको, उनके बारे में क्या स्पेशली कि आपकी वाइफ ऐसी हो? देखिए, हम थोड़ी देर पहले कविता सुनाए थे तो हमारी ज़िंदगी मतलब बचपन से लेके अभी तक का हमने सब उसी में डाल लिख कर जाहिर कर दिया है कि हमने बाइक ले लिया, सूट भी सिलवा लिया है, रेडियो पे गाने सुनाएंगे, हमारी आवाज़ नहीं अच्छी लगेगी तो रेडियो पे सुनाएंगे, फेवरेट हीरो जो भी होगा हम वही बनेंगे, तो आपको खुश करने की हर कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये देखिए शो की कहानी जो है वो तकरीबन 6-7 साल पहले हमने कंसीव करी थी, और 6-7 साल में ऑब्वियसली कहानी में 10 बदलाव आते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, जिस तरीके से हमारा जो एक सोशल फैब्रिक भी चेंज होता है उसके हिसाब से कहानी में और कैरेक्टर्स में भी बदलाव आते हैं, एंड फाइनली आज ये शो बन करके तैयार है। और इसकी जो बेसिक मूल कहानी है वो कानपुर में बेस्ड है, और एक ऐसे लड़की की कहानी है जिसके जीवन का एकमात्र मकसद है कि उसको शादी करनी है। तो हर कोई अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बनना चाहता है, राधे लाल शुक्ला जो हैं उनकी लाइफ का मकसद यही है कि उनको शादी करनी है, और वो अपने लिए एक अदद बीवी ढूंढ रहे हैं। तो सारी जो फजीहत है, जो सारी लड़ाई है, वो उस करेक्ट लड़की को ढूंढने को लेकर के है। देखिए क्या होता है, जैसे कई बार लोगों ने बोला कि क्या ये बद्रीनाथ की दुल्हनिया जैसी है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उसकी जो सिमिलैरिटी है ना, वो एक तो पहली, जैसे हमने 6-7 साल पहले से कॉन्सेप्ट पे काम करे, तो कई बार क्या होता है आप कई लोग अलग अलग टाइम पे एक ही कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे होते हैं। सो जब बद्रीनाथ की दुल्हनिया रिलीज हुई तो हमने देखी तो हमको लगा कि इसमें हीरो के कैरेक्टर में इसके और हमारे हीरो के कैरेक्टर में थोड़ी सी सिमिलैरिटी है, लेकिन वो सिमिलैरिटी सिर्फ शादी करने की इच्छा पे ही ख़त्म हो जाती है, उसके ऊपर नहीं जाती। हाँ, कहानी के अंदर हमारे शो में दूसरे हफ्ते में लड़की की शादी हो जाती है, शादी होने के बाद जो है एक नया मतलब रायता फैलता है। तो उसमें मैंने इसको कानपुर और लखनऊ में शूट किया, तकरीबन हमने 1.5 महीना 45 दिन के आसपास इसकी शूटिंग करी है कानपुर और लखनऊ में, और उससे जो है एक रियल फील आ गई है शो को लेकर के, जो लोकेशंस और जिस तरह के आर्टिस्ट हमने वहाँ के लिए हैं, और जैसा हमने एक लोकल भाषा का प्रयोग करने की कोशिश करी है, यूज़ करने की कोशिश करी है। एक तो शब्द बताएंगे वो वहाँ की लोकल भाषा में, कानपुर के बहुत है, मतलब मैं तो खुद लखनऊ का हूँ तो इसलिए मेरे लिए तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारा जो हीरो है उसने पूरे के पूरी कहानी में और उसके परिवार का जो भौकाल है, हाँ, और भौकाल है, और वो मतलब उसको शादी करनी है तो उसने शादी करने के चक्कर में ना सबके चरस बो दिए कि मुझे जो है ना मुझे लड़की ला करके दो, नहीं तो भैया मैं बवाल कर दूँगा।
हाँ, और यही भाषा हमारे शो के अंदर है। शो के हाँ, मैं वही कहना, ये नया नैरेटिव एक डेवलप करने की कोशिश करें जहाँ पर कंटाप, भौकाल, रंगबाजी, जो हमारे कानपुर लखनऊ की जो रियल भाषा है, लोग जिस भाषा में बातचीत करते हैं, वो हमने शो में पूरी तरीके से कैप्चर करने की कोशिश करी है। नहीं, आप कोई मुश्किल नहीं आई, इसलिए मुश्किल नहीं आई क्योंकि ये बड़ा नेचुरल था, क्योंकि हम उस ज़मीन से हैं, वहाँ से आए हुए हैं। ये पात्र जो है राधे का, ये जो है मेरे घर का कज़न है, उसकी कहानी पे, उसकी ज़िंदगी पे बेस्ड है। तो कई बार ना कई चीज़ें बड़ी रियल थी जो आपके अगल बगल एग्जिस्ट करती हैं। मुश्किल जो आई थी वो ये थी कि क्या हम राधे को हीरो बना सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बिकॉज़ कई बार क्या होता है, जब कोई एक कैरेक्टर बहुत ही सिंपल होता है तो उसकी जो इनोसेंस होती है ना, उसकी जो सादगी होती है, उसको लोग बेवकूफ़ समझने लगते हैं। सो टीवी पे मतलब कोई बेवकूफ़ ही कहानी नहीं देखना चाहेगा, कोई ये नहीं कहेगा कि हर आदमी जो है राधे के अंदर एक हीरो ढूंढेगा। हाँ, तो उसकी इनोसेंस मेंटेन करते हुए उसको हीरो कैसे बनाना है, ये राइटिंग के लेवल पे एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और आई थिंक उस चीज़ को क्रैक करने में हमको 5 से 6 साल लग गए। हीरो जी, गौरव जो है आप डिस्कस करें जी, तो उसे इस ढालने के लिए आपकी जी। देखिए, जब पहली बार हम गौरव से मिले तो उसकी दिक्कत वही थी, और दिक्कत भी नहीं कहेंगे क्योंकि अगर कोई लड़का अगर 20-21 साल जो है एक एक भाषा में उसने हमेशा बात करी है और जो उसकी फर्स्ट मदर टंग है, तो उसको अचानक उस चीज़ से छुड़वाना जो है, बदलाव लाना बड़ा मुश्किल काम था। और गौरव के एक्सेंट में बहुत ज़्यादा पंजाबी टच था शुरुआत में, तो हमने सबसे पहले एज अ एक्सरसाइज जो चीज़ करी कि तुम पंजाबी में बात करना बंद कर दो। हाँ, तो उसने बेचारे ने 1.5 महीने तक अपने माता पिता से अमृतसर में जो है बड़ी लिमिटेड कॉन्वर्सेशन किया। हाँ, कि मतलब शाम को 10-15 मिनट बात कर ली तो बात कर ली, इससे ज़्यादा बात नहीं करता था। और प्लस उसको हमने दर्जनों भर फिल्में दिखाई, हाँ, जो यूपी बेस्ड फिल्में थी, वीडियोस दिखाए कि वहाँ के लोग, हाँ, भोजपुरी फिल्में कि वहाँ पे लोग कैसे, तो वो बेचारा पक गया अचानक पंजाबी फिल्मों से भोजपुरी देखा। तो मैंने उसको बार बार बोलता, मैंने कहा देख, अगर शूट के पहले ना तूने तेरे अंदर, तू अगर मेरी तरह बात नहीं करेगा ना तो हम तुमको ड्रॉप कर देंगे। तो हम उसको हमेशा धमकी देते थे कि मतलब एक दूसरा लड़का तैयार है, तो बेचारा जो है वो डर करके लगा रहता था। So yeah, वो एक ट्रेनिंग थोड़ा सा मुश्किल थी, बट हो गया। जी, मैं हम सब ने जो है बड़ी मेहनत से शो को बनाया है, एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको शो पसंद आएगा। इसमें एक जो एक वास्तविकता, जो असल ज़िंदगी में जो चीज़ होती है, वो आपको शो में, शो के पात्रों और कहानी सुनाने के तरीके में झलकती हुई दिखाई देगी। सो उम्मीद करता हूँ कि लोग उसको पसंद करेंगे। बिल्कुल, एनी टाइम, मोस्ट वेलकम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा मोमेंट है कि मैं ये शो कर रहा हूँ। सौरभ सर के शो में मैं एज ए लीड प्ले कर रहा हूँ। मतलब ये लोगों का सपना होता है और ये सपना सच हो रहा है। तो बेसिकली यू आर फ्रॉम पंजाब, तो पंजाब से मुंबई तक का सफ़र कैसा रहा? पंजाब से मुंबई तक का सफ़र बहुत अच्छा था, मैं बुरा तो नहीं बोलूँगा क्योंकि लाइफ में कभी कुछ बुरा नहीं होता है। जो स्ट्रगल नहीं, आई नेवर लाइक, आई डोंट कॉल इट स्ट्रगल, ये मेरा, आई वॉज बिल्डिंग माई सेल्फ इन लास्ट 4 years। सो यस, या आई एम हियर। एक्चुअली मुझे 4 साल हो गए बॉम्बे में, तो मैंने ऑलमोस्ट 2,250 ऑडिशन दिया होगा, शायद ज़्यादा ही दिया होगा पिछले 4 साल में। और बस ऑडिशंस दिए, और ये मेरा शो आज मैं कर रहा हूँ। कैरेक्टर मैं इसमें राधे प्ले कर रहा हूँ। राधे बहुत ही इनोसेंट सा, स्वीट सा कैरेक्टर है। और बस बाकी आप 21 मई को देखिएगा, रात को 9 बजे आ रहा हूँ मैं। एक बार राधे के टोन में बात करते हैं। आज तो आप पूछिए हमसे, हम बता देंगे। राधे राधे की बात में, आवाज़ में तो बात कर रहे हैं। राधे, अरे हम अपनी वाइफ को तो ढूंढ रहे हैं पिछले करीब 2 महीने से, और ये खोज जारी रहेगी अगली 21 मई तक। अब
आप बता दीजिए अगर आपकी नज़र में है कोई तो। शो करते अभी तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जी। बिल्कुल वो 45 डेज तो बहुत अच्छे थे लाइफ के, मतलब उससे ज़्यादा खास मोमेंट्स जो वहाँ पे मतलब ऑफ स्क्रीन सबके साथ टाइम स्पेंड किया वो सबसे ज़्यादा खास था। बहुत अच्छे सारे को एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, एवरीबडी सो नाइस कि मतलब इसको पता नहीं एज अ ब्लेसिंग ले सकता हूँ या एज अ पता नहीं गॉड का गिफ्ट ले सकता हूँ कि मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करने को मिल रहा है। कृष्णा जी कैसी लगी? कृष्णा जी अभी तक मैंने देखी नहीं है, अभी इसीलिए तो कृष्णा जी को ढूंढ रहे हैं हम। यहाँ आपके सामने आने का मेरा मतलब भी यही है कि कृष्णा जी को ढूंढना है, और इसके लिए आप ही मदद करोगे क्योंकि आप पूरी दुनिया में पहुँचाओगे ये हमारा क्लिप। तो हम चाहते हैं कि कृष्णा जी तक भी पहुँचे और कृष्णा जी बहुत जल्दी हमारे पास आ जाएँ। हाँ तो हमें राधे लाल शुक्ला सिविल लाइन्स कानपुर, कहने को तो हम नौमी 3 बार फेल हैं मगर क्या करें, प्रेम शास्त्र बड़े अच्छे से जानते हैं। बस अब एक अच्छी सी मैसेज मिल जाए और कुछ नहीं है, एक ही सपना है हमारा ज़िंदगी में। और आप हमेशा ऐसे प्यार करते रहिए और मैं हमेशा आपको उससे 10,000 गुना ज़्यादा प्यार दूंगा। थैंक यू सो मच। हाँ तो हम आपको पूरी जिंदगी तो क्या, जब तक हमारा शो और हम राधे लाल शुक्ला सिविल लाइन्स कानपुर जिंदा है तब तक आपको हम सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट ही देंगे, ये प्रॉमिस है राधे लाल शुक्ला सिविल लाइन्स कानपुर का।